अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ फॉर क्लास 9-10 सब्जेक्ट फिजिक्स, चैप्टर नंबर 10, सेशन नंबर 5। टुडे वी विल सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर 10 फ्रॉम 10.6। अ कैनाल लॉक गेट इज 10 मीटर वाइड, 10 मीटर लेंथ एंड 10 मीटर डीप। Please do the correction here. It is 10 meter wide, 10 meter length and 10 meter deep. Then it will be our volume. That is length into width into height. Length is 10, width is 10 and height is also 10. Our volume will be 1000 cubic meter. Calculate now. What we have to do? Calculate the thrust acting on it. हमें इस थ्रस्ट कैलकुलेट करना है जो इस कैनाल लॉक गेट पर अप्लाई हो रहा है, कौन एक्टिंग ऑन इट, एज्यूमिंग दैट द वाटर इन द कैनाल इज़ इन द लेवल विद द टॉप ऑफ द गेट। और इस कैनाल में वाटर जो है वो गेट के लेवल पर है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1000 केजी पर क्यूबिक मीटर। अब इस कैनाल गेट पर जिसके वाटर की डेंसिटी 1000 केजी क्यूबिक मीटर है, कितना थ्रस्ट इस पर ये इस कैनाल का वाटर अप्लाई कर रहा है, इस 10 मीटर वाइड, 10 मीटर लेंथ और 10 मीटर डीप गेट पर। हमें मालूम है अब थ्रस्ट क्या है। अगर हम कोई चीज़ पानी में होली या पार्शली इमर्स करते हैं तो उसके ऊपर उसके वेट के इक्वल, बॉडी के वेट के इक्वल वो वाटर डिस्प्लेस होता है, डेट इज़ कॉल्ड एज थ्रस्ट। नाउ हेयर इन दिस केस लेंथ 10 मीटर, विड्थ 10 मीटर एंड हाइट इज़ ऑल्सो 10 मीटर, देन आवर वॉल्यूम विल बी 1000 क्यूबिक मीटर। सेकेंड इंफॉर्मेशन चीज़ जो इन्होंने हमें बताई, डेंसिटी ऑफ वाटर, वो हमने यहाँ 1000 केजी पर क्यूबिक मीटर अप एंड अप थ्रस्ट वी हैव टू फाइंड। अब यहाँ पर ग्रेविटी भी अप्लाई होती है। हमने अपने एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल में कैलकुलेट किया था कि जब भी कोई बॉडी हम होली या पार्शली पानी में इमर्स करते हैं तो उसके ऊपर किस तरह ग्रेविटी एक्ट करती है। ग्रेविटी इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ द फार्मूला इज़ अप थ्रस्ट इज इक्वल्स टू रॉ जी एच वॉल्यूम। हेयर वॉल्यूम डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। Now by putting the values of all these three, volume 1000, density is also 1000 and gravity is 9.8. जब इसे कैलकुलेट किया हमने तो हमारे पास आ गया 98 × 10^5, 1, 2, 3, 4, 5, 10^5. Now we have to write this in our scientific notation. हमने decimal value इसकी shift की towards left. Left पे जब decimal value shift की इस तरह 10^1 एक नंबर इंक्रीज होगी, डेट इज़ प्लस 1, 9.8 × 10^6 न्यूटन बिकॉज इट इज़ अप थ्रस्ट। नाउ वी विल सॉल्व 10.7। नाउ हेयर 10.7, अ सॉलिड बॉडी फ्लोटिंग ऑन वाटर हैज़ 1/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम अबव द सरफेस ऑफ वाटर। यहाँ पर एक सॉलिड बॉडी को जो कि वाटर में इमर्स किया हुआ है, उसका 1/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम वो वाटर से सरफेस से ऊपर है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम विल प्रोजेक्ट अबव द सरफेस इफ इट फ्लोट्स इन अ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.60। अब अगर उसका कितना वॉल्यूम का फ्रैक्शन सरफेस ऑफ लिक्विड से ऊपर होगा, अगर इसको उस लिक्विड की डेंसिटी जिसकी 1.60 है हम इमर्स करेंगे वाटर में, इसकी 1/5 इसका वॉल्यूम का पोर्शन इसका इमर्स हुआ हुआ है और लिक्विड में कह रहा है कितना होगा, वी हैव टू फाइंड इट्स वॉल्यूम इन अनदर लिक्विड हुज डेंसिटी इज़ 1.60। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर हमें लेनी है। नाउ हेयर इज़ द बॉडी डेट इज़ इमर्ज्ड इन वाटर, इसका 1/5 पोर्शन पानी से ऊपर है।
नाउ वॉल्यूम ऑफ बॉडी हमने एज्यूम किया, लेट द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज इक्वल्स टू वी। अब इसका वॉल्यूम ऑफ बॉडी वी है, तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी अबव वाटर 1/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम होगा, डेट इज वी अपॉन 5। सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द वाटर। अब जाहिर है इसका कुछ पोर्शन वाटर के अंदर इमर्स हुआ हुआ है, वो कितना है 4V/5। किस तरह आया ये V? टोटल वॉल्यूम उससे हमने माइनस किया जो वाटर में इमर्स हुआ हुआ है, तो हमारे पास आया 4/5। 4V/5 इसका बॉडी का इनसाइड ऑफ वाटर है। नाउ फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बॉडी अबव द लिक्विड। लिक्विड में इसका कितना फ्रैक्शन अबव द लिक्विड होगा, इस सॉलिड बॉडी का कितना पोर्शन लिक्विड से ऊपर होगा, डेट विल बी अवर वी डैश। आप इसको एक्स भी एज्यूम कर सकते हैं, या हमने इसको वी डैश ले लिया। नाउ डेंसिटी ऑफ लिक्विड ये हमें दे रखी है इन्होंने, रॉ 2 इसे एज्यूम किया हमने, डेट इज़ 1.60। डेंसिटी ऑफ वाटर ये भी हमें गिविन है, रॉ 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। नाउ वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी इज इक्वल्स टू W1 एंड वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी W2। नाउ अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, डेट इज W1 इज इक्वल्स टू W2। W1 इज इक्वल्स टू वी रॉ 1g एंड W2 इज इक्वल्स टू वी रॉ 2g इंटू वी डैश। बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ऑल दीज नंबर्स 4/5 इंटू डेंसिटी 1 vg, W2 इज इक्वल्स टू डेंसिटी हमें लिक्विड की गिवन है 1.6 इंटू vg इंटू वी डैश। यहाँ पे 4/5 vg एज इट इज़ हमने लिखा, देन W2 वेट टू 1.6 vg इंटू वी डैश। नाउ V1 इज इक्वल्स टू V2 4/5 vg इज इक्वल्स टू 1.6 vg इंटू वी डैश। vg से कैंसिल हुआ, हमारे पास आ गया 4/5। ये 1.6 हमने इज इक्वल्स टू साइन के इधर लिया, ये डिवीजन में आया, हमें वी डैश की वैल्यू मालूम होगी। नाउ इट इज 0.5, हमें मालूम है ये 1/2 के इक्वल होता है। वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ अ बॉडी अबव सरफेस, वो पोर्शन जो इस बॉडी का अबव द सरफेस है, डेट इज 1/2, इट इज़ आवर आंसर। 10.8, अ कॉर्क ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.15, फ्लोट्स इन वाटर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.025। एक कॉर्क की स्पेसिफिक ग्रेविटी बताई जो कि वाटर में फ्लोट कर रहा है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बताई है विद 10cc अबव द सरफेस, जिसका वॉल्यूम 10cc के इक्वल अबव द सरफेस है। कैलकुलेट द मास ऑफ द कॉर्क, वी हैव टू फाइंड द मास ऑफ दैट कॉर्क हुज वॉल्यूम इज इक्वल टू 10cc और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बता रखी है कॉर्क की, और जिस वाटर में वो फ्लोट कर रहा है उसकी भी बता रखी है। नाउ राइटिंग डाउन ऑल इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी हम इसे डिनोट करेंगे रॉ 1 से डेंसिटी को, वाटर की डेंसिटी रॉ 2 डेट इज इक्वल्स टू 1.025, वॉल्यूम ऑफ कॉर्क अबव द सरफेस जो कि वॉल्यूम ऑफ कॉर्क अबव द सरफेस है 10cc। मास हमें फाइंड करना है, लेट द वॉल्यूम ऑफ होल कॉर्क इज इक्वल्स टू वी, जाहिर है जब उसका 10cc अबव द सरफेस है तो कॉर्क का होल वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, वी के। तो वी माइनस 10, वॉल्यूम ऑफ कॉर्क अंडर वाटर कितना होगा, टोटल वॉल्यूम से हम जो जितना उसका ऊपर है सरफेस के वो माइनस कर देंगे, वी माइनस 10, इट विल बी वॉल्यूम ऑफ कॉर्क अंडर वाटर। नाउ हेयर फार्मूला इज वेट ऑफ द कॉर्क इज इक्वल्स टू अपथ्रस्ट, रॉ 1 vg, वेट ऑफ द कॉर्क
इज इक्वल्स टू रो वन वी जी इज इक्वल्स टू अप थ्रस्ट डेट इज़ वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी रो टू वी जी. नाउ राइटिंग डाउन पुटिंग अप ऑल द वैल्यूज ऑफ रो वन एंड रो टू. रो वन वी जी एज इट इज़ लिखेंगे. रो टू की वैल्यू लिखी वी माइनस वी. वॉट इज़ द वैल्यू ऑफ वी डैट इज़ वी माइनस टेन और जी को हमने यहाँ लिख दिया है वी माइनस टेन डैट इज़ इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द होल वॉल्यूम ऑफ द कॉर्क. 0.15 वॉल्यूम जी हमने यहाँ से कैंसिल कर दिया. यहाँ पे ये बचा हमारा इसको वी से मल्टीप्लाई किया. यहाँ पे ये नंबर 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये नंबर आ गया. वी हमने इसको सिंप्लीफिकेशन की है. वी हम इज इक्वल्स टू साइन के इस तरफ लाए हैं ये इधर ही रह गया. यहाँ पे ये 0.875 आया. इन दोनों को माइनस किया वी की वैल्यू लेने के लिए. इसको इज इक्वल्स टू साइन के इधर किया ये डिवीजन में आ गया. डिवाइड किया हमने तो हमारे पास आया वॉल्यूम डेट इज़ इक्वल्स टू 11.71 cc. नाउ बाय फार्मूला डेंसिटी इज इक्वल्स टू वी नो डैट रॉ डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. हेयर इन दिस केस वी हैव टू फाइंड मास. मास हमें फाइंड करना है तो हमने इसको सेपरेट कर दिया. वॉल्यूम इनटू डेंसिटी आपस में ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए. इन दोनों को मल्टीप्लाई किया इनकी वैल्यूज रखी हमारे पास मास आ गया 1.757 ग्राम्स. वो कॉर्क जो कि पानी में इमर्स हुआ हुआ है डेट उसका मास है इक्वल्स टू 1.757 ग्राम्स. नाउ स्टूडेंट्स डू ऑल दीज प्रॉब्लम्स इन योर कॉपी. ओके थैंक यू स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज़.